तो क्या आपके डैमेज हेयर हो गए हैं, ब्रिटल हेयर हो गए हैं, फ्रीजी से हेयर हो गए हैं, बिल्कुल भी मैनेजेबल नहीं हो पाते हैं, कितने प्रोडक्ट्स ट्राई कर लिए हैं बट कुछ काम नहीं कर रहे हैं एंड आप एक अच्छे शैम्पू एंड कंडीशनर को ढूंढ रहे हैं, सो आप बिल्कुल सही जगह में आए हैं क्योंकि आज मैं आपके लिए बिल्कुल अमेजिंग प्रोडक्ट्स लेकर आई हूँ एंड वो है तिन। सो दीज टू प्रोडक्ट्स आर फ्रॉम वाव स्किन साइंस एंड ये है राइस वाटर एंड लेवेंडर शैम्पू एंड दिस इज़ राइस वाटर एंड लेवेंडर कंडीशनर एंड आई रियली लव द पैकेजिंग, प्लस मुझे कलर बहुत ज़्यादा पसंद है लेवेंडर कलर, आई रियली लव इट अ लॉट। एंड आपको पता ही होगा राइस वाटर एंड लेवेंडर आर सो गुड फॉर योर हेयर हेल्थ एंड अगर आपकी हेयर हेल्थ अच्छी होती है तो आपकी लाइक आधी पर्सनैलिटी अच्छी हो जाती है क्योंकि हेयर स्टाइल हमारा बहुत ज़्यादा मैटर करता है। आपका हेयर स्टाइल अच्छा होता है तो आपकी पूरी पर्सनैलिटी अच्छी लगती है, गंदा होता है तो नहीं लगता, इसलिए हेयर केयर इज मस्ट। इसलिए ये दो प्रोडक्ट्स का मैं आपके साथ आज रिव्यू शेयर करने जा रही हूँ, तो आप देख सकते हैं ये आपके लिए सही रहेगा कि नहीं रहेगा। एंड मैं आपको ये भी दिखाऊंगी कि मेरे हेयर पहले कैसे फ्रीजी से थे एंड अब आप देख सकते हैं लाइक काफ़ी ज़्यादा मैनेजेबल हो गए हैं, क्योंकि मेरे हेयर बहुत ज़्यादा फ्रीजी हो रहे थे, लाइक एकदम उड़े उड़े से हो रहे थे, गंदे से हो रहे थे, कुछ भी हेयर स्टाइल बना लूँ कुछ नहीं हो रहा था। तो इसलिए मैं ये आपको बता रही हूँ क्योंकि मैंने भी इसे 1 मंथ तक यूज़ कर लिया, उसके बाद ही मैं रिव्यू शेयर कर रही हूँ। सो ज़्यादा बक बक नहीं करती है, get started with the video. So the quantity of both shampoo and conditioner is 300 ml. It has no sulfate, parabens and silicones and it is dermatologically tested, which is really very nice. The shampoo and conditioner is infused with rice water and I think aap sabhi ko pata hoga rice water bahut acha hota hai aapki hair health ke liye and uske bahut zyada benefits hote hain. Plus it also has rice keratin protein and my favorite lavender essential oil, which is also very nice for your hair health. And agar aapko authentic and real products chahiye, so I will say order this from Wow Skin Science app. And here you can find so many products according to your skin and hair. And yahan kafi acche offers bhi chalte rehte hain. So jaldi se aap ise download kar lijiye. Link will be in the description box. And ek bahut important baat aap zarur check karna, jo hai ये QR कोड विच इज़ फाउंड इन ऑल द वाव स्किन साइंस प्रोडक्ट्स एंड यू कैन स्कैन दिस टू चेक द ऑथेंसिटी ऑफ द प्रोडक्ट एंड एवरी टाइम यू विल स्कैन दिस यू गेट पॉइंट्स एंड ये पॉइंट्स आप रिडीम कर सकते हैं ऑन योर नेक्स्ट परचेज। सो अब मैं आपको यूज़ करके दिखाती हूँ शैम्पू, तो आप देख सकते हैं अभी मेरे हेयर बहुत ज़्यादा फ्रीजी एंड ड्राई से लग रहे हैं और फिर मैं अभी शैम्पू यूज़ करूँगी, आप देखेंगे मेरे लाइक काफ़ी ज़्यादा मैनेजेबल हो जाएंगे हेयर। सो मुझे शैम्पू क्यों अच्छा लगता है, बिकॉज इट हैज़ 95.7% ऑफ नेचुरली डिराइव्ड इंग्रीडियंट्स। इसमें राइस वाटर एक्सट्रैक्ट है जो कि रिच होता है एंटीऑक्सीडेंट्स में, एमिनो एसिड्स, जिंक, मैग्नीशियम, विटामिन बी एंड सी, जो आपकी स्ट्रैंड्स को स्ट्रेंथ करता है एंड अगर आपके वीक रूट्स हो गए हैं तो उसके लिए भी बहुत अच्छे से काम करेगा। इसमें राइस कैरेटीन प्रोटीन भी है जो मेन सोर्स ऑफ प्रोटीन होता है एंड ये भी आपके हेयर को स्ट्रेंथ देता है। एंड इसमें लेवेंडर एसेंशियल ऑयल भी है जो भी इरीटेशन हो जाती है आपकी स्किन में तो उसको काम डाउन करता है एंड आपकी स्कैल्प को रिफ्रेश करता है। सो आई यूज़ दिस शैम्पू 2 times इन अ वीक टू गेट दैट फ्रीज फ्री हेयर। सो मैं शैम्पू को एटलीस्ट 2 to 3 minutes तक अपने स्कैल्प में रब कर लेती हूँ, सारा गंदगी उससे निकल जाती है मेरी स्कैल्प की। फिर मैं उसके बाद यूज़ करती हूँ कंडीशनर और ये जो कंडीशनर है इसमें है 95.2% ऑफ नेचुरली डिराइव्ड इंग्रेडिएंट्स। इसमें राइस वाटर तो है, साथ ही साथ इसमें राइस कैरेटीन प्रोटीन भी है, लेवेंडर एसेंशियल ऑयल भी है एंड इसमें स्वीट आलमंड ऑयल भी है, विच इज़ रियली गुड फॉर योर हेयर क्योंकि स्वीट आलमंड ऑयल में प्रेजेंट होता है विटामिन B1, B6 एंड ई, जो आपके हेयर को मॉइस्चराइज करने में हेल्प करता है। एंड मैं कंडीशनर 1 times in a week तो पक्का यूज़ करती हूँ ताकि मेरे जो फ्रीजी हेयर हैं वो मैनेजेबल हो जाएं। एंड आप भी इसे ज़रूर यूज़ करना अगर इफ़ यू हैव ड्राई एंड ब्रिटल हेयर। तो इसको मैं 5 minutes तक रखती हूँ, फिर मैं वॉश कर लेती हूँ अपने हेयर एंड आप देखेंगे कि आपके हेयर बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाएंगे आफ्टर फर्स्ट यूज़ ओनली। बट येस, अगर आपके बहुत ज़्यादा फ्रीजी हैं तो ऑब्वियसली आपको थोड़ा टाइम लगेगा, सो प्लीज़ बी कंसिस्टेंट क्योंकि कोई भी चीज़ एकदम मैजिकली वर्क नहीं करती है, टाइम लगता है एंड ऑब्वियसली ये भी टाइम लगाएगा बट बहुत अच्छे से वर्क करेगा। एंड अगर इसकी फ्रेग्रेंस की बात करी जाए तो इसकी सूदिंग लेवेंडर फ्रेग्रेंस है विच आई रियली लव एंड अगर आपके हेयर से बैड स्मेल आता है तो उसको बहुत अच्छे से ये हटा देता है, साथ ही साथ मॉइस्चराइज भी करता है ये आपके हेयर को। सो लेट मी टेल यू व्हाई आई लव दिस ब्रांड सो मच। सो सबसे पहले तो ये जो ब्रांड है ये हिमालयन बॉर्न ब्रांड है, सेकेंडली इसके जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो इंग्रीडियंट्स बिल्कुल नेचुरल हैं, सेफ़ हैं आपकी स्किन और आपके हेयर के लिए एंड थर्डली जो ये ब्रांड है ये वुमेन एम्पावरमेंट में बिलीव करता है, तो इनका जो वुमेन का
वर्कफोर्स है वो है 80% ऑफ वुमेन एम्प्लॉयड हैं इनके वर्कफोर्स में. दैट इज़ रियली अमेजिंग एंड गर्ल्स यू शुड डेफिनेटली सपोर्ट दिस टाइप ऑफ ब्रांड. एंड ये जो ब्रांड है ये एनिमल लव भी करता है, तो इनकी बिल्कुल जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है फॉर एनिमल टेस्टिंग. एंड लास्टली अगर बात करी जाए तो इनकी जो पैकेजिंग होती है वो है इको फ्रेंडली पैकेजिंग, बिकॉज दे हैव स्टार्टेड क्रिएटिंग 30% पोस्ट कंज्यूमर रिसाइकल पैकेजिंग विच इज़ रियली गुड एंड एनवायरमेंट फ्रेंडली ऑल्सो. सो इतने ज़्यादा पॉइंट्स मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है ये ब्रांड, तभी मैं आप लोग के साथ इसका शेयर कर रही हूँ रिव्यू. एंड आप लोग भी इसे जरूर ट्राई करना. सो एट लास्ट अगर मुझे इसको रेटिंग देनी होगी तो मैं इसको 5 out of 5 दूंगी, बिकॉज आई रियली लव इट अ लॉट. एंड अगर आपके हेयर मेरे जैसे फ्रीजी एंड ड्राई हो गए हैं, ब्रेकेज हो रहा है बहुत ज़्यादा हेयर में, हेयर फॉल हो रहा है, तो मैं तो बोलूँगी आपको इसको जरूर ट्राई करना चाहिए, बिकॉज इट हेल्प मी अ लॉट. एंड मुझे आप खुद ही देख सकते हैं मेरे अब हेयर काफ़ी ज़्यादा मैनेजेबल लग रहे हैं, तो इसलिए मैं तो बोलूँगी कि आप लोग इसे जरूर ट्राई करें अगर आपके ड्राई एंड फ्रीजी हेयर हो गए. सो आई होप यू ऑल एंजॉय दिस वीडियो. डेंट डोंट फॉरगेट टू लाइक माई वीडियो, डू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड कमेंट बॉक्स में कोई भी क्वेश्चन हो तो मैसेज जरूर पूछे. थैंक यू, बाय बाय.